दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय HRS ऑटोमोबाइल, को स्पॉन्सर्ड बाय डाइटिशियन पायल भाटिया। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। जिले में अब पहले के मुताबिक कोरोना के केसों में काफी कमी हो रही है। पानीपत जिले में 44 दिन बाद 50 से कम केस मिले। एक्टिव केस भी 35 दिन बाद 1000 से कम पर आकर 940 हो गए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 48 नए केस मिले, 139 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से जिले में दो और मौत हो गई। एक मृतक की आयु 70 तो दूसरे की 77 वर्ष थी। दोनों खानपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन थे। शुक्रवार को मिले पॉजिटिव केसों में सिविल अस्पताल की महिला और पुरुष डॉक्टर भी शामिल है। सिविल अस्पताल डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि गढ़ी सिकंदरपुर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग का 23 अगस्त को सिविल अस्पताल में रैपिड एंटीजन किट से सैंपल लिया गया था। साथ ही उन्हें NC मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर भेजा गया था। बुखार और सांस में तकलीफ के चलते मरीज को खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 25 सितंबर की सुबह 7:30 बजे मरीज ने दम तोड़ दिया। दूसरा मृतक मतलोड़ा वासी 77 साल के बुजुर्ग है। 15 सितंबर को रैपिड एंटीजन किट से सैंपल लिया गया था। बुखार और सांस में तकलीफ के चलते उन्हें खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। 25 सितंबर की सुबह 8:30 बजे मरीज की मौत हो गई। दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार COVID-19 की गाइडलाइंस के अनुसार नगर निगम कर्मचारी और जनसेवा दल के सदस्य चमन गुलाटी और कपिल मल्होत्रा ने किया है। सिविल सर्जन के मुताबिक शुक्रवार को 1018 सैंपल लिए गए। इनमें रैपिड एंटीजन किट से 594 सैंपल भी लिए गए हैं। जिले में अब तक मिले 7,127 पॉजिटिव केसों में से 6,887 स्वस्थ हो चुके हैं, 940 एक्टिव, 85 मरीजों की मौत हो चुकी है, 95 संक्रमित घर से लापता हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।